रोजगार है तो बेरोजगार क्यों, खुद का डोना पत्तल उद्योग लगाएं, महीने का 15 से 25 हजार रुपए कमाएं। जयराम ठाकुर सरकार के 3 साल पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश की ठंडी फिजाओं में सियासत गर्मा गई है। हिमाचल भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि जयराम सरकार न तो प्रदेश को कोरोना मुक्त कर पाई है और न ही करप्शन मुक्त। जहां तक कांग्रेस पार्टी मुक्त करने की बात है तो कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे प्राचीन पार्टी है, जिनके नेताओं ने देश प्रदेश को आगे बढ़ाया है। इस वक्त जो भाजपा की सरकार प्रदेश में है, जनता इसका जवाब देगी कि प्रदेश को भाजपा मुक्त करना है या कांग्रेस। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे में असफल रही है। 3 साल का जश्न सरकारी खर्चे पर करना, प्रदेश की जनता के पैसे का दुरुपयोग करना है। इन 3 वर्षों में प्रदेश में कहीं विकास नजर नहीं आया। सुशासन की यह बात करते, लेकिन 3 साल का जो कुशासन है वो हिमाचल प्रदेश की जनता को भारी पड़ा। सरकार पे किसी का विश्वास नहीं रहा। आप कोरोना के समय समाज के किसी भी वर्ग की आप मदद नहीं कर पाए। इस आयोजन को जश्न मनाने जैसी कोई स्थिति थी नहीं। आपने इतना खर्चा किया, इसका औचित्य नहीं बनता। जितना पैसा आपने खर्च किया, उस पैसे का इस्तेमाल आप जो कोविड अस्पताल है, वहाँ जो कोरोना की जंग लड़ रहे हैं मरीज, उनको दवाइयों के लिए करते, लेकिन आपने इन सब बातों को दरकिनार करके सरकार का एक उज्जवल पक्ष दिखाने का प्रयास किया। जितना पैसा खर्च हुआ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रदेश की आम जनता की तरफ से, सभी ये चाहते हैं कि जितना पैसा खर्च हुआ सरकार उसकी जानकारी सार्वजनिक करे। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।